हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। सॉल्विंग क्वेश्चंस विद गौरी मैम। चलिए एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। डॉक्टर होमी बाबा बाल वैज्ञानिक एग्जामिनेशन 2019 के पेपर से लिया हुआ ये क्वेश्चन है। क्वेश्चंस टोमेटो के ऊपर बेस्ड है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स हैज इक्वल नंबर ऑफ टोमेटो ऑन बोथ द सर्फेसिस ऑफ लीफ, यह हमें पूछा है। लीफ के दोनों तरफ इक्वल नंबर ऑफ टोमेटा कौन से प्लांट में देखे जाएंगे? शुगर केन, बेर, सनफ्लावर, मैंगो। ठीक है, सबसे पहले थोड़ी इन्फॉर्मेशन जानेंगे टोमेटा के बारे में। टोमेटा क्या काम करते हैं? ट्रांसपायरेशन का काम करते हैं। थ्रू द टोमेटा द वाटर वेपर गेट एक्सक्रीटेड गेट आउट फ्रॉम द लीव्स, और जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो अंदर आता है, ऑक्सीजन भी इसी से बाहर फेंका जाता है। एवरेज नंबर जो होता है स्टोमेटा का वो अराउंड 300 स्टोमेटा पर स्क्वायर मिलीमीटर ऑफ लीव सरफेस ये होता है। यूजुअली लोअर एपिडर्मिस पर स्टोमेटा का नंबर ज़्यादा दिखाई देता है। सबसे कम नंबर के स्टोमेटा जो है वो स्पाइडर वर्ट नाम के प्लांट के लीव्स में देखे जाते हैं, वो है 14 पर स्क्वायर मिलीमीटर। ट्रेड स्कैंशिया नाम का जो प्लांट है उसके ऊपर सबसे ज़्यादा नंबर स्टोमेटा का दिखाई देता है स्पैनिश ओक ट्री के ऊपर, वहाँ पर देखो 1200 स्टोमेटा पर स्क्वायर मिलीमीटर, इतने ज़्यादा नंबर में दिखाई देते हैं। हम एम्फिस्टोमेटिक लीव्स कहेंगे जब हमें इक्वल नंबर अपर सरफेस और लोअर सरफेस दोनों सरफेसेस पर अगर इक्वल नंबर ऑफ स्टोमेटा आर देयर देन वी कॉल इट एज एम्फिस्टोमेटिक लीव्स। ठीक है, हाइपोस्टोमेटिक लीव्स हम कहेंगे जब स्टोमेटा प्रेजेंट रहेंगे ऑन द लोअर सरफेस ऑफ लीव। एपिस्टोमेटिक लीफ हम कहेंगे जब स्टोमेटा सिर्फ ऊपर वाले सरफेस के ऊपर प्रेजेंट रहेंगे। ठीक है, ठीक है, समझ रहे हो। अब यहाँ देखो डाइकॉट प्लांट में द लोअर सरफेस ऑफ लीफ हैज अ ग्रेटर नंबर ऑफ स्टोमेटा दैन अपर सरफेस। मोनोकोटिलिडॉन लीफ है तो स्टोमेटा इक्वल नंबर में होते हैं ऊपर और नीचे की तरफ, ये याद रखो। डाइकॉट में नीचे की तरफ ज्यादा ऊपर की तरफ कम, मोनोकॉट में इक्वल। जैसे एग्जांपल से मोनोकॉट के ओनियन, मेज, शुगर केन, तो इनमें ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ सेम नंबर ऑफ स्टोमेटा में भी ऑब्जर्व। तो बस क्वेश्चन यहाँ पूछ रहा है कि दोनों सरफेसेस के ऊपर कौन से इसमें स्टोमेटा रहेंगे, तो शुगर केन इसका आंसर बनेगा। क्यों? क्योंकि देखो बेर, सनफ्लावर, मैंगो ये तीनों डायकॉट है, तो इनमें कैसे होगा, नीचे की तरफ ज़्यादा होंगे स्टोमेटा ऊपर की तरफ कम होंगे। वेराज इन शुगर केन दिस इज अ मोनोकॉट सो इट विल हैव स्टोमेटा इक्वल नंबर ऑफ स्टोमेटा ऑन बोथ सर्फेसेस ऑफ लीव्स। गॉट इट? ओके, ऑल राइट। तो यहाँ पर कंक्लूड कर रही हूँ आज का वीडियो। मेल आईडी शेयर कर रही हूँ। आपको किसी क्वेश्चन का आंसर चाहिए, किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो मेल करिए या कमेंट सेक्शन में भी शेयर कर सकते हो। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।